नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कार्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन में दो अलग अलग जगह पर्यटकों को गजरात का गुस्सा देखने को मिला। अपने शावकों के साथ वितरण कर रही हथनी और झुंड में रह रहे हाथियों का एक ग्रुप आक्रामक हो गया। जिप्सी चालकों ने पर्यटकों से बैठे अपने वाहनों को भगाकर बमुश्किल बचाई जान। कार्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी जोन में पर्यटकों के लिए कल से कार्बेट पार्क का बिजरानी जोन खोल दिया गया था। पहले दिन ये पर्यटकों से पूरी पैकिंग फुल रही। बिजरानी जोन में भ्रमण करने गए पर्यटकों को हाथियों के झुंड का गुस्सा सहना पड़ा। कार्बेट पार्क के बिजरानी जोन में भ्रमण करने गए जिप्सी कार्बेट में घाटी में अचानक हमला करने का प्रयास किया, जिसमें जिप्सी चालक ने जिप्सी भगाकर अपने और पर्यटकों की जान बचाई, लेकिन हाथी कुछ दूर तक वाहनों के पीछे दौड़ता रहा। वही दूसरी घटना आमडंडा NH पर जंगल से आई एक हाथी ने अचानक हमला का प्रयास करते हुए रोड के एक और खड़े पर्यटकों और यात्रियों से भरी बस पर हमले का प्रयास करते हुए रोड पर खड़ी पर्यटकों के पीछे कुछ दूरी तक पीछा किया। इस घटना को लेकर कार्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन RK तिवारी का कहना है कि हमें भी सूचना मिली है कि बिजरानी जोन में इस तरह की घटना हुई है। उस क्षेत्र में हाथियों का झुंड है, जिनके साथ बच्चे भी हैं। जब तक क्षेत्र में हाथियों का झुंड है, हमारे द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। कल बिजरानी जोन पर्यटन क्षेत्र का गेट खोला गया और कल से ही वहाँ पर्यटन का शुभारंभ किया गया। तो ये पता चला है, हमारे भी संज्ञान में, हमारे उच्च अधिकारियों के भी संज्ञान में है कि एक हाथी ने कुछ जिप्सी पर्यटकों का पीछा किया था। वहाँ टेम्परेरी रूप से एक हाथी का झुंड आया, जिनके साथ बच्चे थे, इसलिए ऐसी घटना हुई। लेकिन ये लोग टेम्परेरी रहते हैं वहाँ, दो चार दिन के लिए एक झुंड एक जगह रुकता है, इसके बाद वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है। तो आज अभी तक ऐसी कोई सूचना अब नहीं मिली। जो दूसरी जगह आप बात करें, वहाँ भी यही है कि वहाँ भी एक झुंडी है और उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और आशा किया जाता है कि ये झुंड वहाँ से एक दो दिन में अन्यत्र चला जाए। इसके अतिरिक्त हमने अपने सुरक्षा टीम वहाँ भेज दी है कि जब तक वो झुंड वहाँ से हट नहीं जाता, तब तक वो थोड़ा सा सावधानी बरतें और देखें कि पर्यटकों के साथ कोई अप्रिय घटना न घटने।